राम पाठक नातानी तक भोपाल से। अब आपके बीच में जनता दरबार में मैं हाजिर हूँ। देखिए इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। हमारे छतरपुर नगर पालिका चुनाव में जो दावेदारी हो रही है उसमें कई सारे लोग सामने आ रहे हैं। अभी हमारे बीच में हमारे गणमान्य नागरिक माननीय बिट्टू चौरसिया जी आप हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आइए हम मिलते हैं हमारे माननीय बिट्टू चौरसिया जी से। नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। चुनावी माहौल को लेकर के क्या कहना है आपका? चुनावी माहौल है, लोकतंत्र का उत्सव है, हम आप सब लोग मिलकर मनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात की आपने। मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि आपने जो पार्षदी का लड़ा हुआ है, चुनाव भरा हुआ है, इसके बाद आपका जो दावेदारी है वो किस तरीके की दावेदारी हो रही है? देखिए मेरी पत्नी इस वार्ड से, वार्ड नंबर 32 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आई हुई हैं। इस वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करके हम एक स्मार्ट वार्ड के रूप में अपने वार्ड को देखा अच्छा बनाने की कोशिश करें। भाई साहब देखिए बहुत आपने बातें अच्छी बोली कि आप वार्ड को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन पिछले जो कार्यकाल में लोगों ने जो काम किया है उसको लेकर के जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जनता ये चाह रही है कि जो भी वादे किए जाएँ उसको शत प्रतिशत पूरा किया जाए, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए विश्वास करना पड़ता है, लोगों का अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कितना व्यक्ति अपने तरीके से कार्य करा सकता है, उसकी कितना सुनी जाए, इसके लिए मैं जवाबदार नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मैं अपने कार्यकाल को ये वादा करता हूँ आपसे कि जो आपके वार्ड की समस्याएं हैं, आप बहुत अच्छे लोगों का वार्ड है ये, हम इसको समस्या विहीन करके देंगे। बढ़िया। इस वार्ड के लिए और क्या क्या आपने प्लानिंग की है करने के लिए? मैंने आज ही अपने नेतृत्व से मेरी बात हुई किसी विषय को लेकर, तो मैं सातरी तलैया के रूप में जो अपने वार्ड में तालाब है उसका सौंदर्यीकरण, उसको व्यवस्थित करना, उसकी सफाई और उसमें आने वाले सीवेज के नालों को प्राथमिकता के पे अलग करूँगा और उस वार्ड में इतना साफ सुंदर स्वच्छ सरोवर की कोशिश करूँगा कि हम आपको खुशी हो। बहुत बढ़िया। एक बात और जानना चाहूँगा, संसार वार्ड का एक बहुत बड़ा स्थल है यहाँ का, गाती कॉलोनी के नाम से जानी जाती है कॉलोनी, तो यहाँ पर जो सड़कें हैं और यहाँ पर गाती कॉलोनी का जो मार्ग है संस्कार वार्ड का होकर के जाता है, उसके लिए क्या विचार हैं आपके? मैं इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करूंगा और बनवा के दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बात और पूछना चाहूंगा, मेरी जनता से बात हुई है तो बातों में मालूम चला है कि लाइट की बहुत बड़ी समस्या है इस कॉलोनी को लेकर के, उसमें आपको सुधार करेंगे? क्या है, छतरपुर में पूरी व्यवस्थाएं लाइट को लेकर बहुत चिंतित हैं लोग और सभी जगह इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं। रही यहाँ के वार्ड की बात, तो मेरी जो लोगों से बात हुई जिम्मेवार लोगों से, तो डीपी पे लोड ज़्यादा है और वो डीपी छोटी लगी हुई है, बहुत छोटा काम है, मैं इसको करा के दूंगा आपको। ठीक है, आपने जो वादे किए हैं उनको मैं चाहता हूँ आप छत से पूरा करें। देखिए जनता दरबार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे साथ गायत्री कॉलोनी के सभी बासी बैठे हुए हैं।